समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10 के लिए ज्यामिति से संबंधित है, जिसमें हम थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक थेल्स प्रमेय का मेरा वीडियो है अपलोड किया हुआ। इसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें पढ़ना है थेल्स प्रमेय का विलोम, या इसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का क्या विलोम प्रमेय है, कथन पहले आप इसको देख लीजिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का कथन, थेल्स प्रमेय का कथन मेरा पिछले वाले वीडियो में है। इसमें थेल्स प्रमेय का जो आज चर्चा है, इसके विलोम का चर्चा है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम के कथन को लिखें और इसे सिद्ध करें, तो आप आसानी से पहले ये कोटेशन आप लिख दीजिएगा परिभाषा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। यदि इसके सिद्ध करना है तो ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए कैसे सिद्ध होता है देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, सपोज दैट कि आपका ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में, समान अनुपात में, तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा का नाम है डी ई। यह रेखा ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, अर्थात AD बटा DB इक्वल टू AE बाय EC। क्या क्या दिया हुआ है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, समान अनुपात में है। तो प्रूफ क्या करना है, यह रेखा, कौन रेखा, ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर होगा, हमें प्रूफ करना है। डी रेखा किसके समांतर है, तो बीसी के समांतर है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा डीई, एक रेखा कौन, डीई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये तो हमें मालूम है। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, ये आपका बनावट हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ रचना करना होगा, रचना क्या करना है जरा सा सुन लीजिए। आपको प्रूव क्या करना है, DE रेखा BC के समांतर है, तो रचना में हम लिखेंगे कि माना कि डीई रेखा बीसी के समांतर नहीं है, तो कोई एक रेखा अवश्य होगी जो कि बीसी के समांतर है। रचना फिर से एक बार सुन लीजिए, माना कि डीई रेखा बीसी के समांतर नहीं है, तो कोई एक रेखा अवश्य होगी जो कि बीसी के समांतर है, माना कि वह रेखा डीएल है जो एसी को एफ पर काटती है, एसी को कहां पर काटती है, एफ पर, अर्थात यह रेखा इसके क्या है, समांतर है, ऐसा दिया हुआ है, रचना में मानेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बनावट में इसका, बोलिए तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा
एक रेखा डीई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें एक रेखा कौन डी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात से तात्पर्य है एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी। तो हमें सिद्ध करना है कि डी रेखा समांतर होगा, किसका समांतर होगा तो बीसी का, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा रचना करेंगे, आपको रचना क्या करना पड़ेगा। रचना में हम लिखेंगे माना कि DE रेखा BC के समांतर नहीं है तो कोई एक रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर है। माना कि वह रेखा DL है जो AC को बिंदु F पर काटती है, अर्थात DF समांतर BC। रचना में जो अभी हम आपको बताए थोड़ा सा बात हम लिखे हैं, रचना क्या लिखे हैं, माना कि DE रेखा BC के समांतर नहीं है तो कोई एक रेखा अवश्य होगी जो कि BC के समांतर है। माना कि वह रेखा DL है जो AC को बिंदु F पर काटती है, अर्थात DF रेखा समांतर है किसका, BC का। थोड़ा सा बनावट हो जाने के बाद रचना आप देख लिए। अब थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका प्रमाण थोड़ा सा देख लीजिए। प्रमाण में आप क्या देखते हैं कि त्रिभुज ABC में आपको पता है कि DF रेखा समांतर है BC का। क्यों समांतर है, क्योंकि रचना में तो हम यही माने ही हैं, DF समांतर किसका, BC का। अगर यह रेखा DF रेखा BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय का क्या कथन था आपको याद होगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, वो था समांतर था। तब यहाँ क्या होगा, AD बटा DB इक्वल टू AF बटा FC, है ना, DF समांतर BC है ना, इसीलिए हम लिखेंगे किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार यहां पे क्या होगा, AD बटा DB इक्वल टू AF बटा FC, क्योंकि DF रेखा BC के समांतर है, इसीलिए A से F तक और F से C तक। ये थेल्स प्रमेय का कथन था
कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा समांतर है तो समांतर रेखा त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। प्रश्न से क्या दिया हुआ है जरा देख लीजिए। प्रश्न से दिया हुआ है कि देख लीजिए क्या दिया हुआ है जी, AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप गौर से देखिएगा तो LHS दोनों का बराबर है। हम यहां से लिखेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो से AE AF, देखिए AF है ना, तो AF बटा FC इक्वल टू AE बटा EC। क्या करेंगे यहां से दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ये बात आपको याद रखना होगा कि दोनों तरफ कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। अब यहां से क्या आ जाएगा कि AF by FC plus 1 इक्वल टू AE by EC plus 1। देखिए यहां से LCM आया FC, तो A से लेके F तक ये FC यहां गुणाम हो जाएगा इक्वल टू AE plus EC by EC, नीचे से LCM आ गया। तुम क्या देखते हो, देखो जी यहां से A से F तक और F से C तक, A से F तक और F से C तक, इसका पूरा नाम हम क्या दे सकते हैं, यहां से यहां तक का लिख सकते हैं AC by FC। A से E तक, ध्यान दीजिए, A से E तक प्लस E से C तक, A से E तक और E से C तक जो दूरी है पूरा दूरी का नाम होगा AC बटा EC। AC दोनों जगह से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। लिखेंगे therefore FC बराबर EC। इस पर विचार कीजिए, जरूर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि F से C तक जितनी दूरी है E से लेकर के C तक भी आपका उतना ही दूरी है, तो ये बात थोड़ा सा हजम नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा अगर है, उसका कहना है कि नहीं ऐसा ही है, तो बिल्कुल है। कब है कि F बिंदु जो आपको अलग दिख रहा है वो अलग नहीं है, यह बिंदु E पर स्थित होगा, है ना। अगर E पर स्थित है तो F से C तक दूरी, E से C तक दूरी दोनों बराबर होगा। तो यहां पे कहना है कि FC बराबर EC, यह तभी संभव है जब DF रेखा DE को पूर्णतः ढक ले, है ना। DF रेखा DE को पूर्णतः ढक ले, अर्थात आप यहां से लिख सकते हैं, अर्थात DF संपाती DE, DF जो है संपाती है, है ना, किसका संपाती है, DF संपाती DE है। अतएव हमारी मान्यता कि DF संपाती BC है असत्य है, ऐसा तो हम माने थे ना। क्या माने थे, देखिए रचना में कि DF रेखा BC के समांतर है, DF रेखा किसके समांतर है, तो अब तो ये मान्यता मेरी गलत हो गई ना, क्योंकि DF रेखा अलग नहीं है, वो किस पर है, DE पर स्थित है। अतएव हमारी मान्यता कि DF समांतर BC है असत्य है, अतः क्या लिखेंगे जी, DE समांतर BC, यही तो आपको प्रूव करना था। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है बस यही आपको लाना था।
एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय का विलोम का सबसे पहले कथन है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो कथन है। अब इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए रच एक फिगर बनाएंगे। फिगर का रहा किसी त्रिभुज में, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा डी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात एबी बटा डीबी इक्वल टू एबी बटा एसी। तो हमें सिद्ध करना है कि डी रेखा समांतर है। किसका समांतर है? बीसी का। इसके लिए थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना क्या किए कि माना कि डी रेखा बीसी के समांतर नहीं है, है ना, बीसी के समांतर नहीं है, तो कोई एक रेखा अवश्य होगी जो कि बीसी के समांतर है। माना कि वह रेखा डीएल है जो एसी को बिंदु F पर काटती है। कहां पर काटती है? बिंदु F पर काटती है, अर्थात DF रेखा बीसी के समांतर है। DF रेखा किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। कौन सा त्रिभुज में? एबीसी त्रिभुज में। इसका प्रमाण देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब त्रिभुज एबीसी में आपको पता हो गया कि DF रेखा बीसी के समांतर है, तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय का कथन आप पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहां से AD बटा DB और AF बटा FC होगा, क्योंकि यह रेखा समांतर है ना, तो AD बटा DB AF बटा FC इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। प्रश्न से दिया हुआ था कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, तो प्रश्न से दिया हुआ है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, इसको सेकेंड मान लिए। आप तो खुद विचार कर सकते हैं कि इसका LHS समीकरण एक और दो का LHS बराबर है, और से देखिए दोनों बराबर है ना। अगर इसका LHS बराबर है तो जब हम समीकरण एक दो को तुलना करेंगे इसका RHS भी कैसा होगा? बराबर होगा। तो AF बटा FC बराबर AE बटा EC। इसके बाद दोनों तरफ हम यहां से एक क्या किए, प्लस कर दिए, LCM ले लिए, तो FC यहां गुना हो गया, EC गुना हो गया। आप विचार करिए A से F तक और F से C तक, A से F तक और F से C तक, पूरा दूरी का नाम AC। फिर देखिए A से E तक, E से C तक, A से E तक, E से C तक, पूरा दूरी का नाम होगा AC। AC दोनों तरफ से कट जाएगा। FC इक्वल टू EC, यहां से F से C तक। देखिए अगर कहा जाए कि आपको यहां से लेकर के यहां तक है ना, ये बिंदु A से लेकर के B तक, और आपसे कहा जाए कि बिंदु C से लेकर B तक ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। दोनों दूरी क्या है? तो बराबर कब होगा? तो ये जो आपको दिख रहा है कि बड़ा है, ये आपके मन का भ्रम है। वो बड़ा नहीं है, बराबर तभी होगा जब यह रेखा इस पर स्थित होगा, मतलब उसी साइज का होगा तभी बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। तो ये रेखा यहां से यहां तक, यहां से कुल दूरी और यहां से दूरी दोनों आपस में अगर बराबर है, अर्थात ये DF रेखा अलग नहीं है, वो पक्का इसी पर आ जाएगा, है ना। तो DF रेखा इस पर स्थित होगा, तो मैथ की भाषा में इसको कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती, कंसाइड होगा। तो FC बराबर EC या तभी संभव है जब DF रेखा DE को पूरा पूरा क्या कर ले, ढक ले, अर्थात अलग नहीं है, इसी पर है। तो जब ढक ले अर्थात DF संपाती DE, तो हते हमारी जो मान्यता थी, क्या मान्यता थी कि DF रेखा BC के समांतर है, ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या है? DE समांतर BC। ये थेल्स प्रमेय का कथन विलोम है।
आप इसे देखें बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि ज्यामिति बिल्कुल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सिर्फ आपको ये जो इसका विलोम का कथन है या थेल्स का कथन है बिल्कुल याद रखिए, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये सब गारंटी वाला क्वेश्चन है जो कि आपको अक्सर पूछता है, कभी थेल्स प्रमेय कभी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप देख लिए थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वीडियो में हमको बताए थे आपको हम कि थेल्स एक यूनान का महान गणितज्ञ है। 600 ईसा पूर्व यूनान में एक महान गणितज्ञ हुए थेल्स, जिसके दो सिद्धांत आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, एक थेल्स प्रमेय एक थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। थेल्स प्रमेय का विलोम जिसके ऊपर अभी हम प्रमेय को सिद्ध किए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार होगा देख लीजिए। एबी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किसमें एबीसी में, तो तुरंत आप एबीसी त्रिभुज बनाइए, ए बी और क्या सी डी एक बिंदु है एबी पर, एबी पर डी है और ए देख लीजिए, और फिर ए पर एसी पर, एसी पर ई बिंदु है ना, बिंदु मिला दीजिए इसको, यहाँ डी नाम दे दीजिए यहाँ ई नाम दे दीजिए। अब देखिए एबी 49 है सेंटीमीटर, डी बी है 63 सेंटीमीटर है ना, एडी एडी बराबर 49 सेमी, डी बी बराबर 63 सेमी और ए बराबर 35 सेमी, ये 35 सेंटीमीटर है और ईसी बराबर दिया गया है 45 सेंटीमीटर। मालूम है ना क्या डी रेखा समांतर है बीसी का? आपको यह बताना है कि यह रेखा क्या बीसी के समांतर है या नहीं, जांच करके आपको बताना है। तो बिल्कुल देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप सबसे पहले इसका और इसका अनुपात निकालिए, एडी बटा डीबी देखिए कितना आ रहा है, तो 49/63 ये डिविजिबल है ना, 7/7 49 और 7/9 63, तो 7/9 आ गया। फिर देखिए ये ए इधर का अनुपात निकालिए, ए बाय ईसी, तो ए कितना है 35 है, ईसी कितना है 45 है, इसको आप देख लीजिए कटा के कितना आता है 45, AB इक्वल टू हाँ 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो 7/9, AD/DB 7/9, AE/EC 7/9। आप क्या देखते हैं कि ये दोनों चुकी बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, देर और हम लिखेंगे कि AD/DB = AE/EC, ये भुजा का अनुपात बराबर है, इसका LHS, इसका RHS, इसका RHS बराबर है, तो इसका LHS भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। देख लीजिए AD/DB और AE/EC भुजाओं का अनुपात समान है तो रेखा क्या होगी समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम तो यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में है ना, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, कौन अनुपात में समान अनुपात में बांटती है, बांट रही है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यह जो रेखा है ना बीसी के क्या होगा समांतर होगा। हम लिखेंगे देयरफोर थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के कहां से विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे लगा कि चूंकि भुजा का अनुपात बराबर है, भुजा अनुपातिक है तो रेखा समांतर होगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर BC, ये आपका प्रूफ हो गया। और आपसे पूछ रहा था क्या DE समांतर BC, तो हाँ DE समांतर BC कैसे आया, अब देख लिए कभी भी आपको समांतर करना रहे तो भुजा का अनुपात निकालिए, अगर बराबर आ गया थेल्स प्रमेय का विलोम लगा दिए रेखा समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय का विलोम के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव हम आपको दे दिए, तो
तो इस तरह का और भी आप अपनी बुक से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।